तो हम अभी आ चुके हैं ताल छापर अभ्यारण्य चुरू के अंदर, और जो सालासर के बीच रास्ते में ही पड़ता है, तो अभी आ गए वहाँ पर और हम सीधे लेकर के जा रहे हैं गाड़ी अंदर, क्योंकि पैदल वगैरह ऐसे यहाँ पर पैदल तो घुमा जा नहीं सकता है, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा कठिनाई होगी। और दूसरी बात है कि भाई ये बहुत बड़ा एरिया है, इनकी 6 किलोमीटर लंबा एरिया है, 3 इधर है, 3 इस साइड, 3 इस साइड, और तो हमने टिकट ले ली क्योंकि गाड़ी की 300 रुपये टिकट थी और पर पर्सन की 100 रुपये कुछ 100 रुपये के समथिंग थी, तो हमने वो ले ली। और अभी हम जा रहे हैं अंदर, दोनों गाड़ियाँ लगभग 13-14 लोग हैं तो सभी जा रहे हैं अंदर। और यहाँ पर काले हिरण हैं, बग है, इसके अलावा और चीतल वगैरह वो है, जो सलमान खान वाले जो काले हिरण जिन्होंने उनका शिकार किया, वो काले हिरण यहाँ पर मिलते हैं। दूसरे हिरण भी मिलते हैं लेकिन वो भी यहाँ पर अभी है, ये उनके लिए ऐसा फेमस है काले हिरणों की। बाकी वाली ये गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर कुछ लिखा है, रास्ता छोड़कर घास में जाना सख्त मना है। सबसे पहले भाई यहाँ देखते हैं हिरण, यहाँ हिरण बहुतायत में पाए जाते हैं, यानी कि बहुत अधिक हिरण है जैसे यहाँ पर, लेकिन हमें हाथ नहीं लगा देंगे, जिस प्रकार हमारे धमाना अमरतली उद्यान में लगाने देते वैसे नहीं लगाने देंगे। ये काफ़ी बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, काफ़ी नहीं बहुत बड़ा एरिया है। तो वैसे ये है यहाँ पर एक तालाब, जो सबसे पहला तालाब आता है जहाँ पर हिरण पानी वगैरह पीते हैं, और एक है उधर सामने, और ये लगने में ऐसा लग रहा है दूर दूर तक और कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ ये अभ्यारण्य लग रहा है। एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ शहर है, और दूसरी इस साइड भी एक और शहर है। एक गाड़ी हमारे आगे चलेगी और हम अभी तक यहाँ पर पीछे पीछे है। यहाँ पर ऐसा कुछ हमें एक दुर्लभ पक्षी दिखाया है, ये गुडवन है, यहाँ पर गीध है, चील पता नहीं क्या है, जो बहुत बड़ा पक्षी, यानी कि कोई पशु के आकार का है, यानी कि हिरण के जितने जितने आकार का है। एक उड़ गया है और एक पास में बैठा है, नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। और बाकी वाले वो तो आगे चले गए सारे, वो तो गाड़ी लेके फटाफट है, उनको देखना कम है, ये फटाफट इसको पूरा करना है, लेकिन हमें यहाँ देखना है, आए हैं तो यहाँ पर देख करके चाहे हिरण क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। यहाँ पर हम स्टॉप करते 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 एक जगह तालाब है, वहाँ पर आ गए, बाकी वो तो हमसे अलग ही चल रहे हैं क्योंकि उनका पता नहीं क्या मूड है, वो क्या देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर है कुछ नहीं ज़्यादा देखने को, सिर्फ घास है और सिर्फ हिरण है, अभी तक हमें कुछ और भी नहीं दिखा, सिर्फ एक पक्षी दिखा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ एक हिरण और एक पक्षी, इसके अलावा और अभी तक हमें कुछ नहीं दिखा है। तो पानी और ये बीच बीच जहाँ तालाब है वहाँ पर ऐसे ये दूसरे प्रकार के बबूल है और कुछ भी नहीं है, चारों तरफ घास ही घास है, सूखा ही सूखा है, लेकिन हिरणों के लिए सबसे उपयुक्त जगह यही है। और कहते हैं भाई वो है हिरणों के लिए सबसे उपयुक्त, और हिरण सारे यहाँ के हष्ट पुष्ट और उछल कूद करने वाले हिरण हैं। यहाँ पर चलते हैं अब इस दौरे के उस पार, देखते हैं उस पार क्या है, उधर उधर भी देखते हैं, आए हैं तो पूरा मतलब यूँ आनंद लेकर के जाए, घूमे तो ठीक रहता है, नहीं तो आए और फिर वापस चले गए, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी हम ताल छापर से बाहर निकल करके आ गए हैं अभ्यारण्य से, ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं क्योंकि थोड़ी इन्होंने क्या बोलते हैं उतार हो गया, कहीं खतावड़ की भाई जल्दी जल्दी चलो आगे साला चले जाना है, तो आगे चलते अब साला सर बैठते हैं गाड़ी में। कुछ हनुमान जी का दिन वगैरह भी ना मंगलवार था, ना शनिवार था, ना पूर्णिमा थी, फिर भी इतनी भीड़ थी भाई यहाँ पर, मतलब हमेशा निरंतर भीड़ रहती है। घर से ये क्या है, फोटो चाहिए सर, बढ़ेर मत बंद नहीं हो, उधर लाल मेल ठीक है वो ऐसा लाल जाना पड़ेगा फोटो पर। हमने मंदिर के अंदर जाना शुरू कर दिया है, हम चलते ही जा रहे हैं, मतलब चलते ही जा रहे हैं काफी निरंतर। पहले तो यहाँ सामने जस्ट खेजरी, इसके सामने जस्ट क्या था भाई मंदिर था, अभी यहाँ पर नहीं, अभी घूम करके कहीं से खुले मैदान, फिर बंद, कभी ऊपर कभी नीचे, दाएं भाई, मतलब बहुत चलकर जाना पड़ता है, लगभग लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा हम चल रहे थे, हमने मतलब चल लिया, चलते ही जा रहे थे पता नहीं कहाँ वापस घूम के, मेरे को भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा था अभी जा कहाँ से रहे, हमें किधर पहुंचेंगे मंदिर में, वहां सिर्फ देखने को इतना था कि भाई फोटो वगैरह सब मना था, सिर्फ पार वगैरह सामने दर्शन करे, काफी दूर से दर्शन वगैरह करे, और काफी भीड़ भी थी, मतलब सारी सारी जगह गए तो भीड़ भीड़ थी। हम रात को
सालासर से आकर के सीधे आ गए थे जमला। अभी हम जमला में रात रात होके थे, रात को खाना वगैरह रात को 12 बजे आकर के खाना बनाया, बना करके कुछ व्यवस्था थी करी हुई और कुछ हमने आकर के सब्जी वगैरह ला करके सब्जी वगैरह बना करके फिर खाया। और अभी सुबह को उठ करके अभी जा रहे हैं जमला तालाब पर, यहाँ पर जम सरोवर पर, और बाकी वाले कुछ इधर उधर घूम रहे हैं कि भाई देख रहे हैं कि किस इसका धर्मशाला का किस प्रकार विकास वगैरह हुआ है उसका। और बाकी वाले कुछ इस प्रकार नई रसोई घर वगैरह बन रहे हैं, सारे नए मकान वगैरह बने, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के हैं। अभी चलते हैं फटाफट, और उससे अभी आगे एक और जगह जाने का प्लान बन गया, वो है यहाँ से रामदेवरा, और रामदेवरा से होते हुए देशनोक नहीं रे रामदेवरा रामदेवरा से होते हुए तनोट माता और फिर भारत बॉर्डर पर वहाँ पर। तो अब कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जल्दी ही मिलते हैं हम एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।